So, now we will discuss why 25 kV volt is uh, r important in this catenary system or in this electrification system. And here, the uh, 25 kV volt is uh, 25 kV volt current flow uh, with this contact wire. So, as we know it, so let's learn. So, 25 kV, okay, this is 5, this is 2 so 25 kb volt this contact wire continuous flow so here uh, do you know the electron electron that is e electron is if the electron flow left side this is the left and here is the right so if the electron current electron flow left side then current obviously flow right side that is the concept of total uh, uh, elect, uh, electric concept okay Ele electric concept actually this is the physics the main part is the uh, this is made of this is made of copper copper you know the copper is too much high price or costly product costly metal so here the higher voltage इज़ इन दिस कं इन दिस कॉन्टेक्ट वायर इज़ हायर वोल्टेज बिकॉज हायर वोल्टेज रिड्यूस द करेंट फ्लो सो आई टोल्ड यू ऑलरेडी द करेंट फ्लो दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ओके द करेंट फ्लो रिड्यूस सो वोल्टेज को इनक्रीज़ किया इंक्रीजेज द वोल्टेज ट्वेंटी फाइव के भी एंड करेंट फ्लो को कम किया बिकॉज पतला इसका जो थिकनेस है ये पतला है जो है अभी स्टिल जो यूज़ होता है स्टैंडर्ड किया गया है तो अभी इसका जो थिकनेस है वो स्टैंडर्ड है देन इफ द करेंट फ्लो अगर करेंट फ्लो कम है देन पाथला में चल जाएगा अगर करेंट फ्लो ज़्यादा होता है देन पाथला में वो जल जाता है पूरा तो ये एक प्रॉब्लम है दिस इज द प्रॉब्लम इफ़ द करेंट फ्लो इंक्रीजेस देन द इसका जो थिंकनेस है इसको भी मोटा करना चाहिए बिकॉज कारेंट फ्लो ज़्यादा हो रहा है सो so उसके लिए स्पेस देना चाहिए अदरवाइज ये जल जाएगा ये पिघल जाएगा मेटल विल बी सो मेटल विल भी मिल्टेड सो दैट्स वाई कि वोल्टेज इंक्रीज क्या है वोल्टेज को 25 किया दैट इज़ द फिजिक्स यू नो सो इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द करेंट फ्लो इफ द वोल्टेज इंक्रीजेस द करेंट फ्लो डिक्रीज और करेंट फ्लो इंक्रीजेस वोल्टेज विल बी डिक्रीज सो हेयर इज़ द कॉन्सेप्ट सो दैट्स वाई इंक्रीजेज द करेंट फ्लो हेयर ट्वेंटी फाइव के बी एंड द फ्लो डिक्रीजेज एंड द Uh, here you can see this contact wire is made of copper or copper ko patla kiya hai so that ki iska jo cost hai ye kam ho jaye sir so cost cutting and cost is the main part and it is everywhere so chhota se bada tak cost is everywhere we know ki paisa kaise मतलब uses कम कर सकते मतलब उसका जो खर्चा है वो कम किया जाए और benefits ज़्यादा किया जाए सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ट्वेंटी फाइव के बी वोल्ट एंड दिस इज़ द यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सल थ्यूरी वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है कहीं पर वन पॉइंट फाइव के वी हो रहा है और जो थर्ड रेल है जहाँ पे सेवन फिफ्टी वोल्ट यूज़ हो रहा है यू जस्ट थिंक ओके हेयर यू कैन सी दिस यू नो की ए सी मीन्स ऑल्टरनेटिव कारेंट सो ऑल्टरनेटिव कारेंट इज़ ओनली पॉसिबल की सिंगल फेज ए सी हेयर ये जो कार है ये सिंगल वायर है शाम विनो की डबल वायर यूज़ होता है बट ये सिंगल आयर है इसको ए सी किया गया है बिकॉज ऑल्टरनेटिव कारेंट करेंट का लॉसेज भी होता है कि कोई भी चीज़ हंड्रेड परसेंट नहीं मिलता दुनिया में यू जस्ट थिंक करेंट ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है कोई दूसरा जगह पर उसका मतलब पावर सिस्टम है थर्मल पावर है और जो भी है सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस द करेंट सप्लाई टू द एवरी वायर सो ड्यूरिंग दिस लॉन्ग डिस्टेंस क्या होता है कि इसका जो फ्लो है इसका कम होता है और इसका लॉसेस भी होता है दैट्स वाई जब प्रोड्यूस होता है करेंट उसको हाई किया जाता है मतलब वोल्टेज को हाई किया जाता है सो so दैट कि वो उसका जो फ्रिक्वेंसी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ये कैसे काम करता है तो ये जो फ्रिक्वेंसी है और करंट का जो फ्लो है वो सही अगर मिले देन ये आ, सही है ठीक है तो उसके लिए वोल्टेज को हाई किया जाता है सो दैट की द वोल्टेज मतलब लॉसेस जो है उसका कम हो बेनिफिट्स ज्यादा हो सो दैट्स वाई द वोल्टेज इंक्रीजेस एयर 25 फाइव के बी वोल्ट एंड द देयर आर सो मेनी बेनिफिट फॉर दिस नंबर वन इसका जो लॉसेस है ये कम होता है आई होप यू ऑल लर्न टूडे इन दिस वीडियो कि वॉट इज द पर्पस ऑफ ट्वेंटी फाइव के बी वोल्ट इन इन दिस इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन थ्रू द कॉमेंट बॉक्स So, please share the best comment. I will share your name through the community post. So, I will meet another session. Till then, take care. Tada bye.